भारत के इतिहास में देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जिसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। पार्षद से अपनी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत करने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी है। जवान बेटों व पति की मौत के बाद एक ऐसा समय भी आया कि द्रौपदी मुर्मू तनाव में चली गई, लेकिन कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। कड़ी मेहनत के दम पर आज द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और बुलंद हौसले आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सोलन में नाटी डालकर देश की आदिवासी महिला को प्रथम महिला का दर्जा मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस खुशी में माल रोड पर हर किसी ने नाटी डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मि धर सूद ने बताया कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति की कुर्सी मिली है, यह देश के लिए गर्व की बात है। सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए हमेशा ही अग्रसर है। अभिनंदन के रूप में जो है वो मना रहे हैं, हमारी भारत की प्रथम महिला, भारत की आदिवासी बहन एक सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं 25 तारीख को। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को छूना है, तो एक अंतिम छोर का व्यक्ति जो है वो उच्च सर्वोच्च कुर्सी पे बैठकर हमारे देश की जो है वो मुखिया बनेंगी, ये हमारे लिए आनंद की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए चुना जो कि एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आती है, एक ऐसी महिला जिसने अपने आप को प्रूव किया कि चाहे वो कोई भी इलाका हो, कोई भी जात हो, किसी भी संप्रदाय से हो, यदि आप संघर्ष करते हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर जो है आप बैठ सकते हैं, आप जो है राज कर सकते हैं।